हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल, चावल, रोटी और इसके साथ मैंने केले की सब्जी बनाई है। आप इसे पकौड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ ये अरहर की दाल के साथ सब्जी की तरह ही खाई जाती है। तो जिसके लिए मैंने कच्चे केले लिए हैं 3, इन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है। इन सभी को हमें ऐसे ही अच्छे से छील लेना है, इसमें थोड़ा सा भी जो इसका ग्रीन पार्ट होता है वो ना रहे। और अब हमें इसे इस तरीके से कट कर लेना है। आप जो भी शेप चाहते हैं, थोड़ा बड़े साइज़ में कट करना चाहते हैं, तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर बीच में से भी कट कर सकते हैं। मैंने इसी तरीके से सारे कट कर लिए हैं और अब हम इसे अच्छे से धुलेंगे। तो हम इसे पहले 10 मिनट के लिए पानी में डाल देंगे, क्योंकि काटने के बाद हल्का सा कालापन आ जाता है, पानी में डालने से इसका कालापन चला जाएगा। और 1 कटोरी मैंने अरहर की दाल ली है, इसे हम कुकर में ले लेंगे और इसे अच्छे से हम 2-3 बार धुल लेंगे। और मैंने प्याज को ऐसे ही रफली कट करके इसके अंदर रख दिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे मैंने छिलका उतार लिया है। इसका छिलका उतारने से क्या होता है, टमाटर अच्छे से जब गल जाते हैं तो दाल में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो बच्चों को भी खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जब छिलका बीच में आता है तो बच्चों को थोड़ा सा ख़राब लगता है खाने में। तो इस तरीके से मैंने टमाटर भी इसमें रफली चॉप करके डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 कटोरी दाल के लिए मैंने उसी कटोरी से इसमें 2.5 कटोरी पानी लिया है, उसे भी इसमें डाल दिया है। और अब हम सीटी आने के लिए इसे गैस पे रख देंगे, 3 सीटी आने पे हम इसे बंद कर देंगे। अब जब तक दाल हो रही है तब तक अब बाकी के काम कर लेते हैं। इस पर मैंने प्लेट पर टिश्यू पेपर डाल के सारे जो भी केले हमने काट के रखे हैं उसे इस पर निकाल लेना है। और थोड़ा सा हम इसे ड्राई होने देंगे कि इसका पानी सूख जाए, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो ये चावल मैंने करीब 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो दिए थे। और हम जब भी कोई भी इस तरीके की सब्ज़ी बनाते हैं जो हमें चावल की पीठी में बनानी होती है, तो उसके लिए हम हमेशा चावल का ही यूज़ करते हैं, कभी भी हम चावल के आटे का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसको चावल के आटे में कोई पसंद नहीं करता है। तो आप भी एक बार इसे चावल में ही बनाइएगा। और इसके लिए मैंने 1/2 प्याज लिया है, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च ली है। इन सभी को हम मिक्स करके पीस लेंगे अच्छे से, बिल्कुल फाइन बैटर बनाना है। इसी तरीके से हमें सभी चावलों को पीस लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरीके की होनी चाहिए। सभी बेसिक मसाले हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें करीब 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और थोड़ी सी हींग डाल दी है। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे मसाला डालने के बाद, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है। पर ये ध्यान रखें कि ये चावल का बैटर है, तो पानी इतना भी नहीं डालना है कि जो बैटर है हमारा वो केले के ऊपर चिपके ना। अब मैंने 1 हरी मिर्च ली है और थोड़ी सी हरी धनिया ली है, इनको हम कट कर लेंगे रफली इस तरीके से। और 2 मैंने आंवले लिए हैं, तो हम इसके साथ आंवले की चटनी भी बनाएंगे। तो इस तरीके से आंवलों को कट कर लेना है। इन सभी को मिक्सी जार में लेके थोड़ी सी लहसुन की कलियां डाल देंगे इसमें, और हल्का सा नमक डाल देंगे, और इन सभी को ग्राइंड करके रख लेंगे। अरहर की दाल के साथ और सूखी सब्जी के साथ आंवले की चटनी बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह गर्मियों में पुदीने और आम की चटनी अच्छी लगती है, उसी तरह जब मौसम जाड़ों का आने लगता है तो उस टाइम पे आंवले की चटनी खाने के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कभी कभी मैं आंवलों को बॉयल करके भी बनाती हूँ चटनी, वो भी काफ़ी टेस्टी लगती है। जो मिक्सी जार में थोड़ा सा बचा है ना बैटर लगा है, इसे भी हम अच्छे से धुल के बाउल में डाल देंगे। अब
अभी हमारी सिंपल सी आंवले की चटनी भी बनके रेडी हो गई है। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और हम जब भी बनाते हैं केले की पकौड़ी या कोई भी पकौड़ी तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते हैं। आप जो भी ऑयल खाते हो तो आप उसमें इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक स्लाइस को इसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी को डिप करके ऑयल में डाल देंगे। केले को मैंने पहले बॉईल नहीं किया क्योंकि ये स्टीम में एकदम पक जाते हैं जैसे ही तेल में पड़ते हैं। बस जितनी देर ऊपर से कलर चेंज होने में लगती है उतनी देर इसे पकने में लगती है, तो इसे अलग से बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसे हमें थोड़ी सी रेडस आने तक फ्राई करना है। अब ये पकौड़ियाँ बनके रेडी हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। आप इन्हें गरम गरम चाय के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है चाय से भी। और दाल में भी 3 सीटी आ चुकी है तो हम दाल की जो गैस है वो बंद कर देंगे। इसे हल्का सा चला के मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो टमाटर और प्याज हैं वो हमने ऐसे रफली चॉप करके डाल दिए थे। तो अब हम इसे पहले किसी बर्तन में पलट लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं मैश करना है। तो मैंने करछी से ही इस तरीके से इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है। और अब हम तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने पैन में घी लिया है 2 चम्मच, इसमें लहसुन डाल दिया है, जीरा डाला है, साबुत लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी हींग डाल दी है। इस तरह से अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो दाल भी हमारी बनके रेडी हो गई है। ढक देंगे इसे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डालेंगे। तो दाल हमारी अब बिल्कुल तैयार है। चावल मैंने एक तरफ चढ़ा दिए हैं बनने के लिए और रोटी भी मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है और चावल भी मैंने बिल्कुल सिंपल कुकर में बना लिए हैं। तो लगभग मेरा पूरा खाना तैयार हो गया है और इन सभी को बनाने में मुझे करीब 55 मिनट्स लगे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।